हेलो गाइज गुड आफ्टरनून वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ए रीजनल साइंस सेंटर 8 एकर जमी रे गढ़ी उठी। प्रतिदिन प्राय शह शह हजार हजार लोक एठिक आसंती बुलियापे। यार पूर्व ब्लॉग रे मु देखे थी मोशन गैलरी रे कौन कौन सब अच्छे। एबे मु जेउठारे जाउची से होच मोशन गैलरी। मोशन गैलरी रो काम सारी मु जाउची बाहर को देखिबी आउ कौन कौन सब अच्छे। एबे आमे तल को जीवा तले कौन कौन सब अच्छे देखिबा। एठी किछि चेयर पड़ी बसिबा पई। एठा रही ऑफिस एवं एठी ऑडिटोरियम। एबे पुणी मु ऊपर को चली आसी। ए आगे देखा जाउची मैथमेटिक्स गैलरी। तेणु मु एबे चली मैथमेटिक्स गैलरी देखिबी कौन कौन सब अच्छी आउ आपण मानको शेयर करिबी। एठी लिखा जाय छी द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तले गोटे संख्या वृक्ष रही अन्यटी ज्यामितिक आकृति और लेखचित्र वृक्ष। संख्या वृक्ष सूचाऊची जे आधुनिक गणित अनेक शाखार विभक्त ज्ञानर गंताघर पाटीगणित संख्या तत्व उपरे पर्यवेक्षित राशि मानकर सर्क बीजगणितर अंतर्गत परिसंख्यान पद्धति तथ्यावलीर संग्रह और विश्लेषण उपर आधारित। ये पुणी देखा पाए यार्ली सिस्टम ऑफ काउंटिंग एंशिएंट न्यूमरल्स सेक्साडेसिमल सिस्टम। टिके आगक आसले देखा मिले पिरामिड। इजिप्टर नील नदी कूल वर्गाकार आधार विशिष्ट पिरामिड सब यही आकृतिर उदाहरण। प्राय 2500 वर्ष पूर्वे ग्रीक गणितज्ञ थालेस सदृश त्रिभुजर नियम प्रयोग करी पिरामिडर उच्चता मापिथिले। एठारे अछि एरिया ऑफ सर्कल। कौनसी आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल यार दैर्घ्य और प्रस्थर गुणफल जथा पायार संगे समान यही कथा एठारे दर्शा जाइछि। या परे सल्बा सूत्र और बिग नंबर्स विषय बुझा जाइछि। ख्रीस्टियन जुगर प्रारंभ शताब्दी रे संख्या को शब्दावली आकार रे प्रकाश करबा व्यवस्थार अयारंभ किपरि हेला ताहा एही वर्ड न्यूमरल्स रे दर्शा जाइछि। शून्य ठारु आरंभ करी 9 पर्यंत संख्या को विभिन्न भौतिक वस्तु सहित संश्लिष्ट करागला। एक पाई चंद्र, दुई पाई चक्षु, सात पाई संगीतर स्वर, नौ पाई ग्रह इत्यादि इत्यादि। आकाश और महाकाशर शून्यतारु शून्य सृष्टि हेला। 1500 वर्ष पूर्व आर्यभट्ट बाहर करथिबा स्क्वायर रूट नियम एठारे दर्शा जाइछि। विभिन्न ज्यामितिक रूपरेख को अध्ययन करा जाय किपर प्राचीन भारतीय कला भास्कर्य स्थपति चित्रकला और मंदिर निर्माण रे प्रयोग करा जायथिला ताहा एही ज्योमेट्री इंडियन आर्ट्स रु स्पष्ट जना पड़ुछि। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डिविजन। सूर्यर परिवर्तनीय अवस्थान किंबा प्राकृतिक घटनावली जथा दिन राति और ऋतुचक्रर परिवर्तन को लक्ष्य करि प्रथमे समय निरूपण करा जाउथिला। परे स्वाधीन उपाय समय निरूपण निमित्त घंटार प्रचलन हेला। तळथिबा स्विच टिपले जना पड़े आकाशर सूर्यर विभिन्न अवस्थान को सूचना करथिबा आलोकवती सब गोटिक पर गोटे जली उठिबो। पाइथागोरस थ्योरम पाखे थिबा वृत्ताकार चक्रटी को घुराई बड़ पात्र मध्यरु समस्त तरल सान पात्र द्वय मध्य को अपसायत करंतु। एबे उल्टा घुराई सान पात्र द्वयर तरल को बड़ पात्र मध्यरे प्रवेश करंतु। लक्ष्य करिबे जे उभय पात्र मध्यरे तरल समान स्थान अधिकार करुछि। एथिरु उभय क्षेत्र रे आयतन समान बोली जना पडुछि। एठी अछि थेल्स पाइथागोरस प्लाटो यूक्लिड आर्किमेडिस आपोलोनियस छ जन ग्रीक गणितिकक फोटोचित्र जो माने
ज्यामिति विषय में अनेक किछि तथ्य बाहर करछंती। तळे 6टी स्विच रहिछि एवं प्रत्येक स्विच उपरे जण जण करी एही 6 जण गणितिकंक ना लेखा जाइछि। स्विच टिपी आपण एही ग्रीक गणितिक मानंक संपर्क रे श्राव्य सूचना माध्यम रे अधिक किछि तथ्य जानि पारिबे। एही स्थान रे ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, स्पीयर्स, कोन्स, पिरामिड्स, सिलिंडर गुड़िकर चित्र सबू देखा मिल आम चारिपाखे के वस्तु गुड़िक सब आकृतिर चित्र सह से गुड़िकर उदाहरण दि जा पहुँची कोनिक सेक्शन पाखरे। यही स्थान रे आपण देखा पाइबे एलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोलार चित्र गुड़िक। चित्र तलकू कोनटीर गोटे मॉडल रही विभिन्न खंडरे विभक्त होइछि। यार छेदित खंड गुड़ को उठातु एवं छेदांश तलरे सृष्ट शंकुच्छेद वक्र सबको लक्ष्य करंतु। अनयूजुआल ट्रायंगल्स पाखे रही रिमान और बोलाल लोबोचेस्की ज्यामिति अनुसार दुईटी अलग अलग असाधारण त्रिभुजर चित्र। आइनस्टाइन को आपेक्षिक तत्व, रिमान, लोबोचेस्की, यूक्लिडी ज्यामितिर नियमावली आपण जानवाक पाइबे जे विश्वर ज्यामिति हाइपरबोलियो विपुल वस्तुत्वर जमाट जोगु विश्व गोलीय आकार धारण कर। सॉलिड्स ऑफ प्लाटो पाखरे दर्शा जाइछि जे प्लाटो पांच नियमित घनक्षेत्र सबु आविष्कार करिबारे मुख्य भूमिका ग्रहण करिथिले जहाकु प्लाटोंक घन कहा जाए। एठारे समघन, टेट्राहेड्रन, ऑक्ट्राहेड्रन, इकोसाहेड्रन, प्रिजिम और पिरामिड आदिर चित्र सबु रहिछि। एगुडिक ग्रीक गणितज्ञ प्लाटो ख्रीष्टपूर्व 400 बेलकु आविष्कार करिथिबारु तांक नामानुसार सेगुडिकु प्लाटोनिक घन कहुजाए। स्विट्जरलैंडर गणितज्ञ लियोनार्ड ऑयलर घनक्षेत्र मानकर पार्श्व धार और शीर्षबिंदु संख्यार सर्क उपरे एक सूत्र प्रदान करथिले। एठारे सांगीतिक स्वरर तरंग रूप विषय बुझे दिया जाइछि। कौनसी जटिल आवर्ती फलनकु उपादान सरल साइन फलनगुडिकर समष्टिरे विभक्त करि विश्लेषण करिबा निमन्ते फ्लोरियर श्रेणी एक गाणितिक कौशल। विभिन्न क्षेत्र जथा विद्युत, वैषयिक विज्ञान, शब्द विज्ञान, आलोक विज्ञान, संकेत और प्रतिबिंब विश्लेषण इत्यादि फ्लोरियर विश्लेषण को प्रयोग करा जाए। टू डी फिगर को किपर थ्री डी रे परिवर्तन करा जाई पारिबो एठारे दर्शाई दिया जाइछि। एठी अछि तार फ्रेम रे गढ़ा होइतिबा एक मनिषर मुह। स्विच चिपी समतल तार फ्रेम टिके घुरेले शून्य रे एहार क्रमागत अवस्थान एक त्रैमात्रिक आकृति करिथाय। फळरे एक वास्तव मनिष मुहर धारणा सृष्टि हुए। एबे मुआसी पहुँची ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज पाखरे। एठारे विभिन्न ज्यामितिक शेप्स सब देखा मिलिबो जथा रेक्टांगल्स, पारालेलोग्राम्स, कॉन्वेक्स आउ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स, कॉन्वेक्स आउ कॉनकेव हेक्सागन्स, एलिप्स इत्यादि इत्यादि।
ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଟ୍ରେରେ ଥିବା ଛୋଟ ଏକକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉତ୍ତର ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ। ହାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଖରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ଅପହଞ୍ଚ ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା କିମ୍ବା ଦୂରତା ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ତ୍ରିକୋଣମିତିର କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ସର୍ବେକ୍ଷଣକାରୀମାନେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ର ଉଚ୍ଚତା ଏହି ଅନୁସାରେ ମାପିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜନସଂଖ୍ୟା କିପରି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏଠି ସୁଇଚ୍ ଟିପିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବତୀ ସବୁ ଜଳି ଉଠି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ସୂଚନା କରୁଥିବାର ଦେଖିପାରିବେ। ସୁଇଚ୍ ଚିପିଲେ ଏଠାରେ ଏକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ ଜଣେ ଲୋକର ଜମାଖାତାରେ ଜମା ଟଙ୍କାର ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କିପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଜମା ହେଉଛି ତାହା ଚିତ୍ରର କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏକ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ପୂର୍ବ ରାଶି ତୁଳନାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣଙ୍କର ଜମା ପରିମାଣରେ ବେଶ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏଠା ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖେଳିବାର ଜିନିଷ ସବୁ। ତଳେ ଥିବା ଫଳକରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ 12 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନେ ଏହିଠାରେ ଖେଳିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠାରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଖେଳ ସବୁ ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ଆ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆରାମସେ ସେସବୁ ଖେଳିପାରିବେ। ଖେଳି ଖେଳି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ଟପୋଲୋଜି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ବଳ ଦୁଇଟିକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଟାଣିବା ଓ ବଙ୍କେଇବା ଆଦି ରୂପାନ୍ତର ଜରିଆରେ ଅଲଗା କରିହେବ। କାରଣ ବଳୟଗୁଡ଼ିକର ଅଲଗା ହେବାର ପୂର୍ବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାକର ଅବସ୍ଥାର ଟପୋଲୋଜି ସମାନ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଏହି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଲେଖାଯାଇଥିବା ଖୁଣ୍ଟ ତଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟି ଖୁଣ୍ଟି ରହିଛି ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟି ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅଛି। ଏହି ପାତ୍ରକୁ ଓଲଟାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେପରି ପାତ୍ରସ୍ଥ ତରଳ ଖୁଣ୍ଟି ସମୂହ ଉପରେ ଉଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିବ କି। ଖସୁଥିବା ତରଳ ଗତିପଥରେ ଖୁଣ୍ଟି ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ନିମ୍ନ କୋଠରୀ ସବୁରେ ସଂଗୃହୀତ ହେଉଛି। ତରଳର ପରିମାଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଠରୀରେ ସର୍ବାଧିକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ।
ସେଠାରେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିଗ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୂପାନ୍ତର ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଆଧୁନିକ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି କେବଳ ମାତ୍ର ଦଶଟି ଅଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ମାତ୍ର ଏକ କ୍ୟୁଟର କେବଳ ଦ୍ୱିଗ ସଂଖ୍ୟା ବୁଝିଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଓ ଶୂନକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନଟି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ସୁଇଚ୍ ଟିପି ଆପଣ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବେ। ଲଜିକ୍ ଦ୍ୱାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପରିପଥ ଯାହା ପ୍ରଦତ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତି ମତେ ନିର୍ଗତ ସଙ୍କେତ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏ ଓ ବି ସୁଇଚ୍ ଟିପି ଏକ ଓ ଶୂନ ଅଙ୍କକୁ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଉଭୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଅଙ୍କ ଏକ ହେଲେ ଯାଇ ନିର୍ଗତ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି। ଏପରି ଏକ ଦ୍ୱାର ଯାହା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଅଙ୍କ ସବୁକୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଉଭୟ ଅଙ୍କ ଏକ ହେଲେ ଯାଇ ସଙ୍କେତ ଦିଏ ତାହାକୁ ଓ ଆର୍ ଦ୍ୱାର କହନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ମୋତେ ଭୁଲିବେନି।